न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वृहद रोजगार मेला के कार्यक्रम स्थल का मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, कहा वृहद रोजगार मेले का लाभ उठाएं बेरोजगार। 2 फरवरी को कौड़ीराम बंधे पर हुई विष्णु सिंह उर्फ सूरज की हत्या का गगहा पुलिस ने किया खुलासा। 10,000 का इनामी आरोपी अभियुक्त धीरज शाही गिरफ्तार। सीओ बांसगांव ने कहा रुपयों के लेन देन में हुई थी हत्या। 9 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगेगा वृहद रोजगार मेला। 68 कंपनियां उपलब्ध कराएंगी 8,000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार। सीडीओ ने दी जानकारी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई JEEAS के टास्क फोर्स की बैठक। महाराजगंज के डैशबोर्ड की खराब प्रगति पर पनियरा ब्लॉक के DPM को हटाने के साथ कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। रेल बजट 2020-21 में पूर्वोत्तर रेलवे के हिस्से आया 3200 करोड़ रुपए। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा ट्रैक के दोहरीकरण, यात्रियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और ट्रेनों की पंक्चुअलिटी पर रहेगा सबसे ज्यादा जोर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गौ आश्रम स्थल समिति की बैठक। निराश्रित पशुओं के रखरखाव पर हुई चर्चा। हीमोफीलिया के मरीजों को जिला अस्पताल में है निशुल्क ब्लड, प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा चढ़ाने की व्यवस्था। CMO ने कहा प्रदेश सरकार सतर्क, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से है तैयार। इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन का हुआ आयोजन। नगर विधायक ने कहा कर्मचारियों की आवाज को उठाएंगे विधानसभा में। एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट फॉर ऑफिसर्स एंड देयर फैमिली के 3 दिवसीय कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में। नर्वो गोरखपुर की अध्यक्षा ने तैयारी का किया निरीक्षण, कहा नर्वो कर रहा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। मानसरोवर मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम 14 से 20 फरवरी तक। मंदिर के प्रधान पुजारी ने कहा अधिक से अधिक संख्या में पहुँच कर करें कथा का श्रवण, उठाएं लाभ। पूर्वोत्तर रेलवे के एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट फॉर ऑफिसर्स एंड देयर फैमिली के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ 7 फरवरी को होगा। इंडोर एंड बॉक्स गेम्स एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। CPRO ने दी जानकारी। आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले हुई बैठक। विभिन्न समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। ABBP ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर किया विरोध प्रदर्शन। छात्रावास में अराजक तत्व एवं दुर्व्यवस्था को दूर करने की मांग। DVNDC के राष्ट्रीय सेवा योजना के सब दिवसीय शिविर का हुआ उद्घाटन। बड़ी संख्या में NSS के स्वयं सेवक कर रहे हैं प्रतिभाग। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में अंतर संकाय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। फाइनल मुकाबले में लॉ फैकल्टी ने आर्ट्स फैकल्टी को हराकर जीता खिताब।